रुशदा तरमीम, जहां भी कहीं एलएचसी आ जाए। मामी हजरा से दरख्वास्त की जाती है, जो इधर आदर खड़े हैं वो पिंडालगाह में तशरीफ ले आए। जो रजाकार हजरात हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अम्मा बाद, फौज बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من جود جود عقباه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं। खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पे नाज करते हैं। और यहां तो सब चुरा कर बोलते हैं, मेरे अंदर के जौहर बोलते हैं। इसे खूबी कहो या खामी अपनी, हमेशा हम तो मुंह पर बोलते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें पैदा किया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों करोड़ों दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। आइए मैं आपको बतलाता चलता हूं, हमदे पाक के उनवान से उस्ताद शायर कारी जमशेद जौहर साहब कहते हैं, तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, अरे मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, और मैं मरा नहीं हूं लोगों तुम्हें भूल हो रही है, मैं मरा नहीं हूं लोगों तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते, मैं मरा नहीं हूं लोगों तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। आज ये इलाही बयाम दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। उस्ताद शायर कारी जमशेद जौहर साहब कहते हैं, मेरा जो भी कलाम निकलेगा उनके हक में सलाम निकलेगा, मेरा जो भी कलाम निकलेगा उनके हक में सलाम निकलेगा, अरे मेरे सीने को चीर कर देखो मेरे आका का नाम निकलेगा, मेरे सीने को चीर कर देखो मेरे आका का नाम निकलेगा। आज का ये मुकद्दस प्रोग्राम आज इस्लामगढ़ की सरजमी पर बहुत ही जोरों शोर के साथ मुनाकिद हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें शर्फ़े कबूलियत से नवाजे और
आइए मैं आपको बतलाता चलता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करने के लिए जोगीरामपुरी से एक शायर अजीजम हमजा सल्लमहु तशरीफ ला चुके हैं। हजरत कारी इम्तियाज अजहर साहिब दामत बरकात हम तशरीफ ला चुके हैं। आइए मैं एक कलाम पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। देखिएगा हजरत, सुभान अल्लाह। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे पूरे मजमा तरफ कर कहिए सुभान अल्लाह। देखा तो आपके जैसा नहीं लेकिन आपके जेब से निकलता पैसा नहीं। देखिएगा हजरत, दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर। अरे एक पल में एक पल में चांद टुकड़े हो गया आधा इधर आधा उधर। और जो है गुस्ताख नबी, काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर आधा उधर। और एक तरफ मक्के की सरहद एक तरफ शहरे नबी, काश मिल जाए अगर आधा इधर आधा उधर। और जो है गुस्ताख नबी, काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर। और फिर भी निकलेगा रजी अख्तर की जबा से, या खुदा जिस्म भी कर दो अगर आधा इधर आधा उधर। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आप तमाम हजरात बैठे हुए हैं, जो हजरात इधर उधर बैठे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मौसम ने भी खूब समा क्या रखा है, मौसम ने भी खूब समा क्या रखा है। अरे आओ इधर को यारो, वहां क्या रखा है। देखो खलाइक टूट पड़े हैं महफिल में, रजी अख्तर ने भी हुस्न बयां क्या रखा है। देखो खलाइक टूट पड़े हैं महफिल में, रजी अख्तर ने भी हुस्न बयां क्या रखा है। जज्बात में आकर जज्बात में आकर ऐ लोगो, जज्बात में आकर ऐ लोगो, कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। जज्बात में आकर ऐ लोगो, कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। जज्बात में आकर ऐ लोगो, कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। ये हाफिज कुरआन हाफिज कुरआन हाफिज कुरआन, रब के वली है इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। ये हाफिज कुरआन रब के वली है इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ इरशाद, यहाँ से दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू करें साहिब। दूसरों से लगती है वो पत्थर नहीं बल्कि गुलाब का फूल महसूस करती हूँ। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं सहेलियों के साथ कुएं में पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछल कर इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। हजरत यामिना फरमाती है, हजरत आमिना फरमाती है, जिस जगह मैं जाती हूँ उस जगह थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। आप तो देखते जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए बेटी इतना महंगा इत्र कहां से लगाती है। हजरत आमिना फरमाती है,
अब्बा जान मेरे बटन के महकना तो दूर की बात, मैं जिस जमीन पर थूक देती हूँ वह जमीन खुशबूदार हो जाती है। आप देखते जाइए, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तरवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकित बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रुसुल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाइद बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शिन लिखा कुरान में, नबी को शारिक बना दिया। अल्लाह ने सन लिखा कुरान में, नबी को सादिक बना दिया। अल्लाह ने जान लिखा कुरान में, नबी को जान बना दिया। अल्लाह ने फल लिखा कुरान में, नबी को फतेह मक्का बना दिया। अल्लाह ने कफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने कफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लाइम बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वारिस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। यह है मेरे नबी की शान। इस्लाम गढ़ वालों, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, अरे सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपके चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपकी जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपके चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपकी जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाचिस रजी अख्तर से कुछ निजामत करने का तरीका नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब अल्लाह किसी से काम लेने पे आता है तो वो कहता है कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें भंवर से वो बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है, अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मदरसा ताक़िबुल उलूम अज़ीम शान।
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।